ग्वालियर शहर के गोलेकमंदी थाना क्षेत्र के भिंड रोड पर पिछले दिनों हुए सड़क हादसे में 8 साल के मासूम अथर्व राठौर की लाश के दौरान आधी रात को मौत हो गई। महाराष्ट्र में रिशर्ट एक कार की टक्कर से अथर्व, उसका भाई वेद और माता पिता विक्रम एवं पूनम राठौर आदि सभी लोग साजुन को घायल हो गए थे। देर रात अपनी बहन की आंख से नई एक्टिवा गाड़ी का पूजन कराकर वापस लौट रहे इस परिवार की एक्टिवा को पीछे से आई एक सफ़ेद रंग की कार ने टक्कर मार दी, जिससे सभी लोग हवा में उछल गए थे और घायल हो गए थे। इसमें 8 साल के अथर्व की हालत गंभीर थी। घटना के बाद से ही गोलेकमंदी इलाके में स्थित रिम्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर था, जबकि उसके माता पिता भाई का भी परिवार हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। खास बात यह है कि घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, जिसमें सुनसान सड़क पर पीछे से आती तेज रफ्तार कार को टक्कर मारते देखा जा सकता है। परिवार के लोगों का कहना है कि किसी रंजिश की वजह से भी यह घटना हो सकती है, क्योंकि खाली सड़क पर एक और खड़े परिवार की एक्टिवा गाड़ी में कोई कैसे टक्कर मार सकता है। दूसरी संभावना यह है कि सराफने से चूर किसी शरारती तत्व ने इस घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस ने जांच के दौरान कार का नंबर ढूंढ निकाला है। यह कार महाराष्ट्र के पुणे में रजिस्टर्ड बताई गई है, जिसका नंबर MH12DE7769 है। पुलिस का कहना है कि इस कार को जल्दी जब्त किया जाएगा। इधर अथर्व की माँ पूनम देवी की भी हालत गंभीर बनी हुई है। विक्रम राठौर मुरैना के आश्रमगोट कॉलोनी के रहने वाले बताए गए हैं। कोले का मंदिर पुलिस ने अथर्व की मौत के बाद अब तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर घटना को कार करने का मुकदमा दर्ज किया है। ये सर 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख को रात को 11:15 बजे ये दीदी जी आ रही है, दोनों बच्चे लौट रहे थे घर पिंटू पार्क से, तब हुई थी घटना। लौटते समय पीछे से कार वाले ने टक्कर मारी है, और बिल्कुल जैसे दोनों कार की लाइट सेंटर होता है ना, उससे मतलब बिल्कुल टक्कर मार के वो सीधा निकल गया है। ये एक्टिवा ली थी उन्होंने नई, तो गाड़ी का पूजन कराने गए थे अपनी बहन के यहाँ पर। हाँ, पिंटू पार्क रहती है, वहाँ से वो लौट रहे थे घर वापस भोड़ापुर। चार लोग घायल हो गए। हाँ, दीदी जा रही है, दोनों बच्चे, बड़ा लड़का ये अथर्व है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। क्या नाम है उसका? अथर्व। उससे छोटा लड़का 5 साल का, वो वेद, वो भी एडमिट है अभी समय, और दीदी जी भी एडमिट है। कौन सी क्लास में पढ़ता है सर? वो सेकंड में जी। कहाँ रहते हैं? ये मुरैना रहते हैं सर। मुरैना कौन सी है? मुरैना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। 7 तारीख को एक पिंटू पार्क में एक 4 पहिया गाड़ी ने एक परिवार खड़ा था उसमें टक्कर मार दी जी, जिसमें परिवार पूरा घायल हो गया था, इसमें एक बड़े बच्चे की डेथ भी हो गई है। तो कार के बारे में कुछ फुटेज वगैरह प्राप्त हुए हैं, उसकी शीघ्र ही जब्ती कर कार्रवाई की जाएगी। इसका हाँ, एक अभी एक एक्सपायर हो गया इलाज के दौरान। हाँ, 2 लोग घायल थे उसमें। ठीक है।